शनिवार की शाम जांजगीर चांपा जिले की शिवरी नारायण थाना पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। शिवरी नारायण के मेला ग्राउंड में बस स्टैंड के पास स्थित एक मकान से पुलिस ने मुंगेली और बलौदा बाजार की तीन युवतियों और सरसीवा और बरसेली के दो युवकों को संदिग्ध हालत में पकड़ा है। पुलिस को सूचना मिली थी, घर में अवैध रूप से महिलाओं को बाहर से बुलाकर पिछले कई दिनों से देह व्यापार का संचालन किया जा रहा है। सूचना पर SDOP चांपा यदुमणि सिदार के नेतृत्व में टीम गठित कर मकान में दबिश दी गई। मामले की जानकारी SDOP यदुमणि सिदार ने कुछ इस तरह से दी है। श्री नारायण के मेला ग्राउंड में एक मुखबिर के माध्यम से कुछ दिनों से सूचना शिकायत मिल रही थी कि वहां द्रौपदी भट्ट नाम की एक महिला है, वो अपने घरों में पिछले कई महीनों से बाहर से लड़कियाँ बुलाकर अनैतिक व्यापार धंधा कराती है। इस सूचना के आधार पे पुलिस की आज एक टीम वहाँ पर पहुँचकर रेड की, जिसमें तीन महिलाएं और संचालिका द्रौपदी बाई और दो जो ग्राहक हैं वो मौके पर अनैतिक व्यापार धंधा करते हुए पकड़े गए हैं। उनके पास से आपत्तिजनक सामान और लेन देन किए गए रुपये पैसे और मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं, जिसमें पुलिस ने थाना शिवरी नारायण में अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 3, 4, 5 के तहत में कार्रवाई किए हैं और पांचों आरोपियों को गिरफ्तार करके इनको पूछताछ की जा रही है।